हेलो। हेलो सिस्टर जी, क्या हाल है? श्रीकाल सत्रीकाल, क्या हाल ने जी? क्या हाल ने तुम्हारे? ठीक ठाक हो? एकदम वाह जी वाह, वाह जी वाह। लो जी, ये कमाल हो गया। चमाट नहीं हो रहा है एक्चुअली। मेरे आसपास कोई है भी नहीं, मतलब मैं उसे बोलूँ ना मेरे को चमाट मार के इस चीज का यकीन दिला कि हाँ भाई मैं बात कर रही हूँ। ना 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 ना, तुसा तुसा चमार नहीं खानी, बिल्कुल चमार नहीं खानी। तुसी तुसी की मेरी फैन गर्ल हो के तुसी मेरे चमार खानी, लोका को हद हो गई तुम्हारी। कैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुसी दसो। एकदम चंगा? एकदम चंगा, वाह जी वाह। चंगा ही होना चाहिए, बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाय द वे मैं आपको इनवाइट करती हूँ इंडिया के लिए। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं जरूर, मैं हो ही नहीं सकता कि मैं इंडिया आवां ते अपना इत्थे पंजाब पंजाब ही रहंदे हो तुसी? दिल्ली? ना ना दिल्ली। ओ तुसी दिल्ली की करन डे हो? तुसी दिल्ली की करदे पे हो? असल में जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो मेरे ससुर जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे। अरे 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 अरे, तो यानी आपने रिवर्स रिवर्स गियर लगाया था। सही हो गया, सही हो गया। नहीं थी, मेरे ससुर जी थे। मतलब मैं तो अपनी बात बताऊं तो मैं तो यहीं से हूँ, मतलब मेरी शादी हुई है उनसे, मतलब मेरे हस्बैंड जो हाँ है। हाँ आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड, आई गॉट इट आई गॉट इट। सही 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 सही, तो वो दिल्ली चले गए थे, इंस्टेड ऑफ पंजाब हरियाणा हरियाणा में जाने की बजाय वो सीधा दिल्ली पहुंच गए। अरे नहीं, यहाँ पे सरकार ने को प्रॉपर्टी अलाउड की थी ना, अच्छा ओके, तो वो प्रॉपर्टी अभी भी हमारे पास है और फिर हम उसी प्रॉपर्टी में रहते हैं। यहाँ दिल्ली में ही वो प्रॉपर्टी दी गई थी हमें। क्या बात है क्या। वैसे भी दिल्ली दिल वालों की है तो बेहतरीन है। जब से केजरीवाल है तब तक से नहीं रहेगी। अब आप ऐसी वाली बातें भी ना करें, कैसे? ऐसी वाली मैंने कहा बातें भी ना करें, अब छोड़ दें। नहीं, मतलब आपने बोला तो इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी दिल्ली बहुत अच्छी है, दिल्ली में मैं जी हूँ, दिल्ली में मैं मरूंगी, दिल्ली ही रहनी है मेरी। ताड़ी खैर हो जाए, ऐडा ही सीधा तुसी बोलता जे। नहीं ऐडा भी की है, बंदा कोई बार बूर भी निकल आंदा है, बंदा कोई सैर सूर भी कर लंदा है, ऐसी भी कोई गल नहीं। ना, मेरे पास ना तो टाइम है ना ही कुछ, और ना ही मेरी जाने की कोई ख्वाहिश है, बस आपको यहाँ बुलाने की ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। नहीं जी, हम बिल्कुल दिल्ली आएंगे, जल्द आएंगे। जरा देखते हैं कि अगले अगले इलेक्शंस में ऊंट किस करवट बैठता। हमारी ही सरकार जीतेगी। सर मैं तो चाहता हूँ कि सरकार जीते, लेकिन ये सरकार ने भी इलेक्शन से पहले जो है ना गेम काफी डाल दी है वोट बैंक के लिए। लेकिन चले खैर, देखते हैं सरकार क्या आप करती है। फिक्र मत कीजिए, सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन हमारी कॉलोनी जहां हम रहते हैं ये हमारा ही है, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई आपको कुछ कह जाए। गारंटी क्या लेते हैं बात है क्या बात है, गल लगी ना सही सिखा की गल की थी तसा है ए सही जवान। मैं कहना सिखा की औरतें भी जी ना सिख मर्दा वक्त जवान ही होंगी है। मैं यही काट देंगे। घर में चार छह तलवारें सिर्फ दिखाने के लिए ना रख रखी, जरूरत पड़ी तो चलाना भी आता। गल हुई ना, गल हुई ना। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट इट। आप फिक्र मत कीजिए, बाकी मैंने सबको बोला है, साहिल भाई को भी मैंने बोला था। मैंने कहा एनी टाइम 24 आवर्स कभी भी जरूरत पड़े बस एक बार हुक्म कर दीजिएगा, देख लेंगे। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना, हमने आज तक मुसलमानों को प्रॉपर्टी अपनी बिकने ही नहीं दी। जो भी प्रॉपर्टी है जैसी भी है किसी को ना यहाँ बसने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ना ऐसी बस बोर्ड लगा रखा है हमने कि मुसलमान एंट्री नहीं कर सकते। खैर हो जाए। वाह रे वाह, तुसी तो पोलैंड बन गए हैं। पोलैंड के जो है ना वजारते, पता नहीं किसने बोला था, उसने कहा था कि मैं यार रशिया की लड़ाई किसके साथ हो रही है भला, यूक्रेन, उसने कहा था मैं यूक्रेन के 10 मिलियन लोग की इमिग्रेशन एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं एक सिंगल मुस्लिम को अंदर नहीं दाखिल होने दूंगा। तुसी तो वो गल की थी। नहीं दाखिल होने दिया है हमने, ये मान के चल लीजिए मामला बरसों बरसों का है, लेकिन हमने आज तक अपनी प्रॉपर्टी बिकने ही नहीं दी और किसी मुसलमान को अंदर घुसने ही नहीं दिया। ओहो, चलें और थैंक हमारे पास यू के सो मच। जितने भी सिख थे ना, सभी को यहाँ पे प्रॉपर्टी अलाउड हुई, सभी ने, किसी ने भी नहीं। भी आपस में लड़ते हैं हम, झगड़े होते हैं हमारी, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो आपस के झगड़े, बाहर वाला कोई बोल के तो दिखाए।
सही 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 सही, नहीं ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल, अपनी अपनी सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में है। जब मसले मसाइल होते हैं तब पुलिस जो है ना वो घंटे 1.5 घंटे बाद पहुंचती है जब मसले क्लियर हो जाए, तो फायदा। अरे हमारे यहाँ पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमारे यहाँ हम खुद ही पुलिस हैं, खुद ही थाना है और खुद ही सरकार है। सरकार किसी की भी चलती हो दिल्ली में, लेकिन ये कॉलोनी, ये जगह तो हमारी ही है और हमसे ही चलेगी। क्या बात है, क्या बात है, इसलिए तो चले मैं आपको कह बेहतरीन रही हो हूँ, गया। आप भी आना हो, आप यहाँ पर आइएगा, हम गारंटी लेते हैं कि हिम्मत नहीं है किसी की आपको कि आपको छू जाए। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स बाकी अलॉट मैं जी। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी वन टाइम ही मेरी आपसे बात हो पाएगी। सीरियसली आज मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब मैं एक्चुअल में आपको बताऊं ना, आज तक मैं कभी किसी टीम होम पे चढ़ी वड़ी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है बकवास करना, सिर्फ मैं सुनती हूँ अच्छा लगता है। लेकिन मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ये बनाया भी था ना, तो मेरी बेटी ने आपके नाम से बनाया था। मेरी बेटी ने, आपकी बहुत बड़ी फैन है, शायद मुझसे भी ज्यादा। अरे थैंक यू सो वेरी मच, उनको भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू बोल दीजिएगा। वो कॉलेज गई हुई है, वो आएगी तो मैं उसे बोलूंगी ना, वो विश्वास नहीं करेगी, वो कोसेगी खुद को कि मैं क्यों गई कॉलेज। अरे 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 नहीं, ऐसा नहीं, कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, उसको बोलने का कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। नहीं मैं ऐसा करूंगा ना, किसी दिन संडे को ना स्ट्रीम रखूंगा, ताकि जो कॉलेज गोइंग लोग हैं, और जो मैं किसी दिन संडे को भी स्ट्रीम रखूंगा, ताकि हम उन सब से भी बात कर सके, नॉन मुस्लिम स्ट्रीम जरूर रखेंगे। थैंक यू सो बाकी वेरी मच, प्लीज आइएगा जरूर। जरूर, डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। नहीं जी, ये थी जनाब हमारी सिख बहन धीरज अग्रवाल भाई। सारी मलकियत के अबू हुज्जतुल उड़ी मुतलीन, आपको 150,000, 1 लाख, 1.5, सॉरी 1.5 लाख सब्सक्राइबर की बहुत बहुत क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस शुभकामनाएं, थैंक यू बोल देता हूँ, शुभकामनाएं। अरे थैंक यू सो मच सर, ये धन्यवाद। बहुत अच्छी हो गई आपकी। सर आप लोगों ने सिखा दिया सर, सीख गए हम थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सरप्राइज तो होता है क्योंकि आपका मतलब सबसे ज्यादा मजा तो आप ही का स्ट्रीम देख के आता है, ऐसा नहीं है, मतलब साहिल भाई के सबके मजा आते हैं, लेकिन आपका जो थियोलॉजी वाइज जो होता है तो सरप्राइजिंग लगता है कि आपका अभी भी 150 के ही है, लेकिन होपफुली जल्दी हम लोग भी मिलियंस पहुंचेंगे। बड़ा जरूर सर, जरूर पहुंचेंगे, स्लो हाँ, एंड स्टेडी विन्स द रेस। हाँ और आजकल देखा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पहले लोग आते थे ना, पहले बोलते थे ये कहाँ लिखा, वो कहाँ लिखा, ये वो दिखा, वो कहाँ लिखा, ये दिखा, दिखा, वो दिखा, उत्तरी खैर हो जाए यार, एक ये तो लोग कौन अनम्यूट अनम्यूट लोग। किए आए थे जी सर। हाँ तो आजकल लोग आते हैं, हाँ, लिखा हुआ है स्लेवरी का लिखा हुआ है, ठीक है, उस वक्त होता था, अभी भी होता है तो भी ठीक है। अब मतलब अब ना वो ज्यादा डिफेंड नहीं करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने लग गए हैं, क्योंकि पहले लोगों को कम पता था, आप लोगों को पता चल गया तो अब सोच रहे क्या करें। नहीं पहले बहुत सारे लोग ये भी करते थे कि यार इनको पता नहीं होगा, कहेंगे दिखाओ तो दिखा नहीं सकेंगे, अब उनको पता लग गया यार ये तो। अब तो बाजार में बस लोग आते हैं, जब मैं उन्हें कहता हूँ मैं दिखाऊं तो कहते नहीं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, आप किताब पे ना जाओ, अब गद हो चेंज होते जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट बड़े बड़े चेंज हो रहे हैं और बड़े बड़े चेंज होंगे। एग्जैक्टली, और उनका उनका देखा था आपने, एकेटीके का आई थिंक साहिल भाई ने उसमें भी चलाया था, तो जो प्यू रिसर्च का दिखाया था उन्होंने कि 6% लगभग जो लोग हैं इंडिया में वो मुस्लिम, एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, मतलब खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं, बस वही सामने नहीं आते हैं, तो मतलब दैट्स लाइक ऑलमोस्ट 1.2 करोड़। वाह जी वाह, वाह जी वाह जी, बिल्कुल सर होंगे, लेकिन सर एक सेकंड रुक जाएं जरा, हरनिया शेख साहब हमसे जुड़ गए हैं, जो ओहो हमेशा जुड़ने की क्या कोशिश बात करते कर हैं, रहे आपको हैं, पता ही है यार, तो वो अगर सीरियसली आज भी इस टाइम पे उनकी आवाज आ जाए, हम इस यही टाइम तो पे उनसे कयामत मिलने है, गए। यही ये तो कयामत है। मैं कहता हूँ जी, अच्छा इनसे देखते हैं अगर इनकी आवाज हमें आ जाए जी। हरनिया शेख साहब, शेख साहेब, शेख साहेब, यार इनकी कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे यार, ये धीरज भाई जेएनयू, जेएनयू के हैं। जेएनयू के प्रोफेसर भाई, भजन बोल लें भजन, आपका देखें आपके लिए हमने लैन भी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया भाई, आप तो बोल लें भाई, कयामत दूर है अभी। है क्या मत दूर है, लग रहा है यार क्या मत बहुत दूर है यार,
वो देखा वो फिर चले गए यार, ये बंदा यार पिछले एक महीने से हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इसकी आवाज निकला है यार, ये बंदा बोल ले यार कसम से भाई, लेवल है यार। एक दिन 2 मिनट के लिए आवाज आई थी, लगा था कहीं मत आ जाए लेकिन वो फिर चली गई थी बस मैं आपको वही कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आया था। और मैं एक चीज कह रहा था, मतलब वो साहिल भाई का जो नॉन मॉर्निंग स्ट्रीम है ना, वो मेरे सुबह के 3 बजे स्टार्ट होता है, सुबह के 7 बजे तक खत्म हो जाता है, तो मैं ना ज्वाइन कर पाता हूँ आगे ना पीछे। तो मैं जैसे आजकल वो दो केस हो गए ना, एक तो वो बंदा आया वो याद, वो बोला कि अरे आदम सर आप लोग तो किताब से ही दिखाते हैं, अब हम क्या करें, कोई क्या आप लोग तो जो किताब में लिखा है वही दिखाते हैं, याद है वो वाला बंदा? हाँ वो बस वो फैजू के चैनल पे आया था मेरे ख्याल में, या साजी के चैनल पे आया था, नहीं आई थिंक हाँ, अब 4 चैनल से तो ध्यान नहीं आ रहा कौन सी चैनल पे याद, वो आया बेचारा परेशान है, पता नहीं आया ही क्यों था वो तो उसका मुझे लग रहा है ना, अब काफी लोग जो है ना देख देख के काफी वो समझ तो गए हैं, लेकिन अभी भी जैसे आज भी आज फेजू के चैनल पर भी एक बंदा आया था, वो कह रहा था कि समझ तो रहे हैं सब कुछ लेकिन बस वो डर है। हाँ लेकिन डर में वो देखना, बात करते करते जब जलेबी बना रहे हो ना वहां पे मसला है, उसके साथ मैं बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा था लेकिन आपने इवेंचुअली देखा था कि उसकी जलेबी खत्म ही नहीं हो रही थी, कि यहाँ से घूमता था फिर वहां पे फिर घूम के फिर वहां पे वो फिर अरे वो अगर आप यानी अगर आपने फिर अगर आपने बात नहीं करनी तो फिर इसका मतलब है फिर आप आए क्यों, फिर व्हाई आर यू इवन हियर। वो किसी तरह से देख रहा था कुछ तो सही निकल जाए, तो वही मैं 2-3 बार साहिल भाई के चैनल पे भी आपके चैनल पे भी ना कमेंट्स में सजेस्ट कर रहा था कि एक स्ट्रीम रख देंगे ना उसपे कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ करके, क्योंकि ये तो जो भी है वो मोहम्मद और कुछ चीजें उमर का दिया हुआ है राइट, बाकी तो कॉपी पेस्ट है, तो उससे शायद एक ही चैनल पे अगर ये डिस्कशन हो जाए कि कौन कौन सी आयतें हैं जो मोहम्मद साहब ने केवल अपने फायदे के लिए लाई हैं, जैसे उमर तो बताइए मतलब रोजा आपका बुरखा और ये काबे की तरफ करके नमाज पढ़ने का भी उसी उमर साहब ने दिया उमर ने। हाँ बताइए उमर ने बोला था बताइए, हाँ बुरका भी उसने दिया, छोटी रोजा भी उसी ने दी और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना भी उसने दिया। जी 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 तो वही बोला अगर ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ करके करिएगा तो लोगों को ज्यादा ये आइडिया लग जाएगा कि नहीं ये पूरा ही फ्रॉड है, और जो भी आया आए थे क्योंकि उमर का गेम देखिए कितना वो कैसे मोहम्मद के साहब के साथ खेला वो उसके साथ लाने के लिए बुरका लाने के लिए, तो उससे आई थिंक जो लोग फैंस पे बैठे हैं ना जिनको थोड़ा बहुत डर रह गया, उनको पता चल गया है कि फ्रॉड है लेकिन थोड़ा बहुत डर लग गया तो उनके मन से शायद जो भी शंकाए हैं जल्दी दूर हो जाएंगे। चले सर करेंगे 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 बिल्कुल उस तरह से भी करेंगे हम हाँ, हर तरीके से करेंगे, बड़ा मस्त रहेगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ करके ना बड़ा मजा आएगा। यस एक तो आपकी हंसी, एक आपका अलहम्दुलिल्लाह जो बोलते हैं अलहम्दुलिल्लाह, अरे भाई जो जलती है सबकी मैं एडम से बात नहीं करूंगा नहीं तुम ये मत कहा करो ये मत कहा करो, तुम ये क्यों कहते हो, अरे यार तुम ये तुम तो छोड़ दिए ना तो अब ये नहीं कहा करो अरे बस बस इतना ही, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी लोग हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, सारी तारीफ है आपके लिए, उस खुदा के लिए तो कुछ नहीं है खुदा सॉरी अल्लाह के लिए कुछ नहीं, खुदा के लिए तो है अल्लाह के लिए नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अप्रिशिएट इट, थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट हमारे साथ जी एनजी साहब हैं, एनजी साहब। हेलो सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी वेल थैंक यू, हाउ आर यू माय फ्रेंड? या वेरी गुड, वेरी गुड सर,
and many many congratulations to your great work sir. Sir, thank you sir, appreciate it. अच्छा सर जी एक पूछना था हमें. ओके फर्स्ट थिंग जान में जाना गया यार आपसे बात करने के बाद. ओके जी जी भाई मेरे आप उस बूढ़े की जान लेके रहेगा क्या? कौन से बूढ़े की? जोकर नलायक की. जोकर नलायक की लाहौला वाला कुव्वत अल्लाह बिल्ला सर. छोटे वाला हार्ट अटैक किया था, बड़े वाला नहीं दिया था. ऐसा लग रहा था कि वो लाइव स्ट्रीम ही टपकेगा सर. वो डिबेट में खड़ा हो जाएगा तो फिर टपकेगा. वैसे नहीं इतनी जल्दी नहीं सर, अभी अभी छोटे छोटे आएंगे. आपके मैसेज की देख के उसका बिहेवियर ऐसा था सर, ऐसा लग रहा था उसी टाइम टपकेगा वो. सर अभी छोटे छोटे अटैक देंगे ना, बाद में बड़े वाला देंगे. सर जी एक चीज बताइए हमें, मेंबरशिप के लिए आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस योर ग्रुप बट आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड. इज दैट सम स्पेसिफिक मतलब आपका मेंबरशिप? कौन सा मेंबरशिप यार? योर स्ट्रीम का मेंबरशिप, YouTube मेंबरशिप. सर वो तो ज्वाइन का बटन, सर वो तो ज्वाइन का बटन है, वो प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट. मैंने ट्राई किया UPI से भी ट्राई किया तो मेरा मे भी मेरा जो कार्ड है और बैंक है ATM कार्ड है वो रुपए का रहेगा. आपका स्पेसिफिक वीजा और मास्टर कार्ड का लिंक है क्या? नहीं सर वो तो सर YouTube की तरफ से होता है ना, उसमें हमने कुछ नहीं रखा हुआ, वो तो सिर्फ YouTube की तरफ से ही है ना. हमेशा ऐसा कहते थे ना हर घर से मतलब हर मोमेंट के घर से एक एडवर्टाइज निकलना है. जो टीनेजर कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज दे शुड बी अवेयर व्हाट आई डू. सम पीपल कम टू लर्न गेट स्टडी और हेल्प इन द स्टडी सो आई शेयर देम आई give them awareness about this to your streams. I think that is it's very impactful. Bilkul sir, bilkul bilkul definitely. Aur ek quick question tha, ye jo Kaaba hai na Kaaba, Kaaba ke upar bada sa burqa dala hai, theek hai? Burqa dala black color ka to burqa hi hoga. Aur jo and the place where they kiss, it represents something. I don't want to mention that. That is a female private part. It's like that way only. Bada tha burqa and that private part they are going kissing. Okay. And one more is. Or oh, bada tha structure ke andar kya hai sir? Khali hai sir. Pura empty hai andar. Ji, khali hai. Uske andar mango bhi nahi hai. Okay. And your this thing, your sentence. Without life, Islam dies. It's awesome, sir. That is perfect definition for Islam. And Zabar. your new term, made for man by man. Absolutely, absolutely. Yes. Sir, I won't take your more time. You are doing an awesome job. Very good. God bless you, sir. Shri Krishna bless sir. You. And one more thing I wanted to understand. Like you are our role model. Okay. Not mine, everyone who is listening to this team. I just wanted to understand how is your structure, how what you do, how you study. Last time you have told me that you do a lot of studies, I mean reading. Okay, how you dedicated time, how you manage the time. I'm also working professionally. जिंदगी मौत का खर्चा हो तो उस वक्त फिर आप डेडिकेट कर ही लेते हैं ना. तो आई डिड दैट स्टडी मेजरली जिस वक्त मैं इस्लाम में था ताकि इस्लाम में रह सकूं. तो उसके बाद तो मैं फिर अब स्ट्रीम करने के लिए सब चीजों को अरेंज करता हूँ. और बाकी तो स्टडी मैंने मेजर स्टडी उसी टाइम पे किया था व्हेन आई वाज इन इस्लाम एज ए मुस्लिम टू स्टे इन इस्लाम एज ए मुस्लिम. ओके सर थैंक यू माय फ्रेंड अप्रिशिएट इट. यस यस लास्ट 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 सेंटेंस. ओके गोवा का याद रखना. ओके डू विजिट गोवा. I am from Goa. Stay at my place.
सर गोवा तो सर वैसे ही हमारा दिल में बसती है, तो थैंक यू सो वेरी मच सर, यू डेफिनेटली आर लाइक माय फैमिली मेंबर, डोंट वरी अबाउट दैट, टुडे आई एम देयर, सर, ओके, थैंक यू सर, अप्रिशिएट इट, थैंक्स अ लॉट, या थैंक यू सर, या बाय, टेक केयर, हैव अ थैंक यू, ग्रेट डे, यू टू सर। मृत्युंजय भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट कर दी है, जिस जिस को मिलेंगी उसकी यशी हो गई है, जिन जिन लोगों ने अपनी मेंबरशिप ऑप्शन इनेबल रखी हुई है उनको फटाफट मिल जाएंगी। हिंदी प्रो मैक्स कहते हैं, हिंदी हैव यू रीड एनी साई दीपिक वर्क? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं देखा है साई दीपिक का कोई वर्क एट दिस मोमेंट। श्रीविनाश अनुराग जी बोलते हैं, फॉर एडम सीकर्स एंटरटेनमेंट ऑन हाउ स्टूपिड इज वोक टुडे, मैथ इज रेसिस्ट, नॉट किडिंग, यू कैन गूगल इट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चले सर आप कहते हैं तो मान लेते हैं, ये बात गूगल पे सर्च करूंगा मैं इस बात को। बाय द वे नीति जी बोलती हैं, I heard two videos of a girl, Sadaf, who made record in cursing on live stream. Did she came back? नहीं जी, उसके बाद उन्होंने कहा शुक्र है मैं निकल जाऊं यहां से और मैं दोबारा ना ही आऊं तो बेहतर है। अच्छा हुआ कि वह नहीं आई। मैंने तो सदफ को अपने चैनल से ब्लॉक कर दिया था उस दिन आई ब्लॉक्ड हर फुली। ऑर्गेनिक स्किन केयर कहते हैं जी, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस सर, वी एडोर यू सर, डू यू फील पिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान हु आर हाईली हाईली रेडिकलाइज्ड बाय दिस आइडियोलॉजी? जी सर बिल्कुल, आई समटाइम्स फील पिटी फॉर दीस किड्स बिकॉज जब वो बड़े होते हैं तो फिर ऐसे ही बनते हैं। श्रुति जी कहती हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड टेस्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड टेस्टमेंट? सर ओल्ड टेस्टमेंट उस वक्त के लिए थी, उस टाइम के लिए थी, और वो टाइम एक तकरीबन आप कह लो 5000 साल का डिफरेंट टाइम था। उसके अंदर पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइमों में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स को डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट बातें दी गई थी, छोटी छोटी। उसकी जो फुलफिलमेंट है वो न्यू टेस्टमेंट के अंदर हुई है। फुलफिलमेंट ऑफ एवरी थिंग इन द ओल्ड टेस्टमेंट वो न्यू टेस्टमेंट के अंदर हुई है। शॉर्टेस्ट तरीके से अगर मैं बताऊँ तो वो ये है। अच्छा जी, कारना जी कहते हैं जी, एडम सीकर फैन गर्ल, तुसी तो शेरनी हो मेरी बहन। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सत्य फरमाया आपने। रयान जी थैंक यू सो वेरी मच। श्रीविनास अनुराग जी कहते हैं, एडम समवन आस्किंग मनी ऑन योर नेम इन इंस्टाग्राम, आई हैव स्क्रीनशॉट। जी सर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में लोगों के बारे लोगों को बताया भी था, ट्विटर पे भी भीख मांग रहे हैं मेरे नाम से, इंस्टा पे भी भीख मांग रहे हैं मेरे नाम से, और मुख्तलिफ फेसबुक पे भी भीख मांग रहे हैं मेरे नाम से। बिल्कुल किसी को ना दीजिएगा, बिल्कुल ना दीजिएगा, मैंने कभी किसी से पैसों की डिमांड नहीं की, कभी किसी को पैसों का नहीं कहा, और ना ही उम्मीद है कि मैं कभी कहूंगा जिंदगी में। अगर गॉड फॉरबिड कभी मसला भी मुझे हुआ तो मैं यहाँ पे अपने लाइव में वीडियो करते हुए बोलूंगा, या मैं अकेले अकेले किसी को बोलूंगा। सो गॉड फॉरबिड के मुझे कभी पैसों की जरूरत ना ही पड़े, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड कभी जिंदगी में कभी मसला भी हुआ तो यहाँ बोलूंगा ना भाई, अगर मैंने बोलना भी है तो मैं छुप छुप के जरूर बोलूंगा। बिल्कुल लाए है, झूठ है, वो आप लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट डू दैट, नेवर सेंड एनी मनी टू एनीबॉडी। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे और ना ही कभी जिंदगी में कभी किसी से पैसे मांगूंगा। जतिन देसाई बोलते हैं, जनाब बोर्डिंग फ्लाइट विल कैच अप सून एरम भाई, ओरे सर एंजॉय करें सर फ्लाइट में। और फारूक जोल जी थैंक यू सो वेरी मच। और हिंदी प्रोमैक्स कहते हैं जी, कॉन्गो मैन होप you know regardless of subscriber count there are tons of people who hold you as idol not ideal or ideal whatever probably both can fit you are doing a great job thank you so very much sir my friend I know that thanks a lot appreciate it satyavarta ramadasa ji kehte hain if all hamd is only for allah then only Allah is Muhammad, worthy of hamd. And it should be shirk to call a human Muhammad. Is that right? Absolutely. 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 So, that is very, very true. Lekin Islam ko is basic philosophy ka hi nahi pata. Islam ko kya batao? Shashwat Shrivastava ji kehte hain, maine bhi Adam ki baat sunkar paaglon se debate shuru kar diya. I came from a secular to Hinduism partially because of ex-Muslims. Kudos to them and us. Thank you so very much, my friend. Bilkul satya kiya aapne. Manpreet Singh. Thank you so very much. Mayur. Thank you so very much. Babu ji kehte hain, Mubarak Badi Adam bhai. Thank you, sir. Mubarak Badi aapko bhi. Yogesh Singh ji.
माले गनीमत का रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन दीजिए प्लीज दोनों भाई। माले गनीमत पे पूरी की पूरी एक सूरत है जनाब, माले गनीमत पे पूरी की पूरी सूरत है। किस दिन माले गनीमत पे स्ट्रीम करेंगे? लंबी है, बहुत ढेर सारी आयतें हैं सूरत के अलावा, बहुत जगहों पे लिखी हुई है, तो किस दिन करेंगे स्ट्रीम? आपके सुपर चैट के ऊपर पूरी स्ट्रीम कर देंगे हम। संदीप जी थैंक यू सो वेरी मच। और एक सवाल आया था प्रकाश साहब की तरफ से, वो कहते हैं एडम भाई वन क्वेश्चन प्लीज, हिंदू की दुआ जो सूफी मजारों पर पूरी होती है या नहीं? माय हिंदू सेक्युलर फ्रेंड टोल्ड मी दिस। देखिए यार, दुआ के साथ एक बड़ी मजेदार चीज है, दुआ में प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो काम हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी है कि वो काम नहीं होगा। देखें अगर तो आप दुआ के साथ दारू भी कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि दारू से सही हुई है, दुआ से नहीं सही हुई, और हो सकता है दुआ से हुई है दारू से नहीं हुई, लेकिन वो अभी प्रोबेबिलिटी में आ जाता ना। तो दूसरी बात, अगर दुआओं से काम चलना होता तो हमारा चैनल इतना ऊंचा जाता ही ना। जब वो 40,000 सब्सक्राइबर पे, 50,000 सब्सक्राइबर पे इनकी वाट लगी थी, उसी वक्त बंद हो जाता, हम लोगों को मौत आ जाती जितने एक्स मुस्लिम बैठे हैं। सो भाई अल्लाह है ही नहीं, तो उस अल्लाह के मानने वाले के मजार से आपको अंब मिलना है? जब अल्लाह है ही नहीं तो उस अल्लाह के मानने वाले के मजार से आपको अंब मिलेगा? तो इट्स जस्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी। राहुल जी थैंक यू सो वेरी मच। फरुख जोल जी बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट इट। हिंदी प्रोमैक्स कहते हैं अपंग प्रोमैक्स, ओके अपंग प्रोमैक्स कहते हैं पहले टट्टी और हसी आप गफूर हैं। अरे अरे टट्टी और हसी वाला तो मुझे वो याद हो गया था कि वो क्या है, अब आपने अपना नाम अपंग प्रोमैक्स कर लिया, थैंक यू सो वेरी मच माय फ्रेंड। अपंग प्रोमैक्स कहते हैं व्हाट्स द प्रोटेस्टेंट कैथोलिक स्प्लिट अबाउट? यार ये बहुत लंबी कहानी है, मगर प्रोटेस्टेंट्स जैसा कि नाम से जाहिर है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो प्रोटेस्टेंट्स यूजुअली अगर आप देखेंगे तो वो 16 स्क्रिप्चुरा होते हैं, और कैथोलिक जो आप यूजुअली देखेंगे दे गो बाय द अपोस्टोलिक क्रीड एंड जो उनके अर्ली फादर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स को भी साथ में रखते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स जाते हैं यूजुअली 16 स्क्रिप्चुरा में, यूजुअली दैट्स द वेरी जेनेरिक हाई लेवल स्प्लिट ऑफ द बोथ। नेमेसिस कहते हैं लव यू सर, क्रिश्चियन स्ट्रीम कब करते हो? लव यू सर मेरी जान फ्रॉम इंडिया जी। मैं सर क्रिश्चियन स्ट्रीम नहीं करता, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं, कैसे करूंगा? नीरज गवास जी सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, लव फॉर एम गोवा भारत। और गोवा तो वैसे मुझे बहुत पसंद है। श्री कृष्णा ब्लेस यू विद ऑल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, यू एंड योर टीम क्रिएटिंग हिस्ट्री, चोकर नलायक की जान ले ली क्या आपने सर? आमीन, थैंक यू सो वेरी मच। नहीं सर जान नहीं लेंगे हम उसकी कभी भी, अब वो तो हमें चाहिए। अरे बाबू जी प्लीज नेक्स्ट टाइम मत आना मेरे पास, मैं आपको अबू मान लिया है बिन बुलाए, कभी कोई जाता है किसी के पास? अरे 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 थैंक यू सो वेरी मच जी। अबू कभी किसी के पास जाते थोड़ा? बिल्कुल ये भी आपने बात सत्य की। शशवात श्रीवास्तव जी कहते हैं एरमन साइल यूनाइट मोर हिंदूज देन बीजेपी। अरे ये तो कमाल ही हो गया, ये तो जबरदस्त बात होगी। डॉक्टर जाकिर नलायक, और डॉक्टर जाकिर नलायक साहब हमारे पास पहुंचे हैं। नलायक साहब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम हबीबी हैया हैया। एरम आप वाकई में एरम अब्बू जी हो, प्लीज नेक्स्ट सैटरडे को मत आना, मैं कहने आया हूँ आपको, जो आप आए। नहीं सर मुझे तो आना पड़ेगा, डॉक्टर जोकर नलायक साहब मुझे तो आना पड़ेगा, मैं तो आएगा। आपके जो है ना जोकर नलायक साहब, आपके जो कबूतर आते हैं ना हमारे पास, वो बार बार आके कहते हैं जोकर नलायक से वेट कर सर, अब तो आएंगे हम आपके पास सर। नीरज साहब कहते हैं कुछ भी नहीं कहते हैं, थैंक यू सर फॉर योर सुपर स्टिकर। फरुख जोल जी थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर स्टिकर माई फ्रेंड। अपंग प्रो मैक्स कहते हैं सर रीड सन ऑफ हमास, यू विल एंजॉय द रीड। ओके सर थैंक यू सो वेरी मच, आई विल डू दैट। मेरे ख्याल में ये बुक का नाम मैंने पहले भी देखा है, सन ऑफ हमास, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। अभिषेक साहब कहते हैं लव द वे यू किक देयर एस, कितना भी पढ़ा लिखा हो ये लोग क्यों इतने कट्टर होते हैं? सर कट्टर होना उनकी बेसिक मजबूरी है अगर वो इस्लाम को मानते हैं। जैक स्पैरो जो हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, एलन मस्क का रॉकेट जा रहा है मार्स पर,
कुछ भेज दूं? जी सर, थोड़ी सी जलेबियां भेज दें, कम हो गई हैं आजकल, लोग जलेबी बनाते जरूर हैं, भेजते नहीं है। गुटका वाला कहते हैं, योर वैल्यू डजंट डिक्रीज बेस्ड ऑन समवन्स इनएबिलिटी टू सी योर वर्थ, बी अनमूव्ड। थैंक यू माय फ्रेंड, अप्रिशिएटेड। गुटका वाला सत्य फरमाया आपने सर। और सचिन साहब कहते हैं, मोहम्मद अल्लाह का के बात कैसे सुनता, डिटेल्स दो प्लीज। सर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था अल्लाह की बात, उसके पास जिब्राइल आता था और उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। और हमारे साथ बैठे हुए हैं जी डेफ्टर वाला